तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है मैं सत्यम वर्मा ब्लॉग्स में। तो आज हम जा रहे हैं अपने दोस्त के साथ में मुंडका। तो अभी पहले चलेंगे इसके दिन तेल डलवाने, थोड़ा तेल कम है। तो यह आगे अपना रोड खैरे का बोर्ड वो लगा है सामने, तो चलते हैं। ये अपना स्टैंड है, यहाँ से डेली मैं बस लेता हूँ। बहुत दिनों बाद मैं मोटो ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि टाइम मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मैं ITI जाता हूँ और शाम को आता हूँ 8:30 तो टाइम मिलता नहीं है। तो आज छुट्टी थी और कल मैं गया था वहाँ पे, क्या नाम, जियो के सेंटर पे गया था मैं। कल मेरे को जियो का ज्वाइनिंग लेटर मिला मेरे को, आपको मैं वो क्लिप दिखा दूँगा, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी है नहीं। तो वहाँ पे कैमरे में लगे हुए तो वीडियो बनाने दी नहीं उन्होंने, बस सर्टिफिकेट की फ़ोटो दिखा दूँगा। हमारे साथ में 4-5-6 बंदे और थे। तो चलते हैं पहले पेट्रोल पम्प पे, या आ गए पेट्रोल पम्प अपना खैरे का। तो हम आ चुके हैं, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। भाई का फोन गिर गया था अभी। तभी डलवाते तेल इसके अंदर और फिर निकलते हैं। हाँ ऐसे ही रहता ये। हाँ सब जितने बंदे दिख रहे हैं ना आमने सामने सारे दिखते हैं, रिकॉर्ड हो रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए, ये तो 10 का बड़ा था। नहीं अलग से हेलमेट में खुद किया है। नहीं वैसे तो मैं करता हूँ ITI, पर वैसे चैनल है मेरा यूट्यूब पे सत्यम वर्मा ब्लॉग्स के नाम से, यहीं रहता हूँ खैरे के अंदर। तेल डलवा लिया, अभी चलते फिर हम बहन के शॉप पे। ये भैया मिल गए थे पेट्रोल पंप वाले, बताने लगे कैमरा है। मैं कहा हाँ कैमरा है ये। तो हम जॉइनिंग के, हम जियो के मेंबर बन चुके हैं, पार्टनर है एक तरह से। तो हम ये कह सकते हैं हम जो 5G अभी लॉन्च होगा उसे हमने ही लॉन्च किया है। टूटा फूटा था पर अब बना दिया है, बिल्कुल बहुत ही चौड़े रोड कर दिए, देख सकते हो आप। है मेट्रो ढासा बस स्टैंड का, जो कि पहले नहीं था, और यहाँ पे बस की सुविधा बहुत ही बढ़िया हो चुकी है। देखिए आप दोनों तरफ स्टैंड है, मेट्रो के 3 गेट हैं यहाँ पे, एक येरा, 3 येरा गेट नंबर, और एक और 2 पीछे था, उल्टे हाथ का को दिखाया मैंने अभी जैसा कि। तो आपको मैं बिल्कुल शॉर्टकट रास्ता बताऊंगा वो घेरा मोड़ तक का, जो कि बिल्कुल शॉर्टकट रहेगा। आप नज़रगढ़ से वहाँ पे जाने में कम से कम लगा लो ओनली 20-22 मिनट लगेंगे बाइक से, और 25 ज़्यादा 30 मिनट, इससे ऊपर नहीं लगते। तो अभी अपनी बहन की शॉप यहीं कहीं थी, एक मिनट देखते हैं पहले, ये आ गई बहन की शॉप अपनी। तो वो बहन बैठी हमारी दिया दे। नहीं नहीं अभी आ रहा हूं मैं मुंडका, आऊंगा अभी आऊंगा। तो अभी चलते हैं, बहन को दे दिया है खाना, और तो शॉर्टकट आपको बिल्कुल बताता हूँ मैं, जो भी है अपना आप यहाँ से बस ले सकते हो नरेला की 708। तो आप अगर नागलोई से होके जाते हो सीधा, मतलब तो आपको लगते हैं 45 मिनट लगते हैं आपको नागलोई जाने में, अगर ऑरेंज वाली बस है। पर आप बिचाओ गांव से होते हुए निकलोगे तो आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा, बहुत ही कम। तो ये अपना अगर नागलोई एंड बिचाओ रोड, बिचारो लेफ्ट हैंड को है और सीधा नागली हो गया। तभी हम यहाँ से निकलेंगे, ये अपना नागली रोड था, ये रिचाओ गांव से होते हुए निकलेगा। तो
तो आप देख सकते हो अभी है 399 रीडिंग अपने बाइक में। सब किलोमीटर दिखा दूंगा, यहाँ से कम बहुत कम लगता है टाइम भी। अरे रोड बिल्कुल खाली रहता है जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि तो सुबह मैं यहाँ से नरेला आई टी जाता हूँ तो हमेशा इसी रूट से जाता हूँ, क्योंकि बहुत ही कम टाइम लगता है। अगर 8 बजे भी मैं निकलता हूँ ना नजफ़गढ़ से तो 9:30 तक अपने आई टी पहुँच जाता हूँ। स्टार्टिंग होगी अपने डिचाओ की, डिचाओ गांव की। इसके बाद एक गांव और पड़ता है, वो पड़ता है कौन सा, यहाँ से दो रास्ते रहते हैं, एक नीलवाल गांव के लिए और एक हिरणकुन्ना गांव के लिए। तो हम हिरणकुन्ना वाले से जाएंगे। अगर नीलवाल से आप जाते हो तो आप सीधे वहीं निकलोगे कति बिल्कुल घेवरा मोड़ के पास, पर हिरणकुन्ना है थोड़ा एक स्टैंड पीछे और नीलवाल है बिल्कुल वहीं मोड़ पे घेवरा मोड़ के पास। ये वैगनर वाले भाई हमसे ओवरटेक मारते हैं, इनको पता नहीं हम हैवी ड्राइवर है। ये जो आया ना वी शेप में, तो लेफ्ट साइड अपना नीलवाल के लिए है और राइट साइड सीधा हम जाएंगे तो हिरणकुन्ना गांव आएगा अपना। ये 962 गुम्मन है की, ये वाली ये नीली बसें, ज़्यादातर यही बसें चलते हैं इस रोड पे, और एक हरी आती है पर उनकी टाइमिंग पता नहीं क्या है, वो तो दिखेंगे नहीं आपको इन रोडों पे। अगर लेफ्ट साइड जाते हो तो वहाँ मेट्रो है, आपको दिखाता हूँ मैं, सामने मेट्रो है वो घेवरे का और हमें इस साइड जाना है क्योंकि वहाँ पे बीच में कट है, वहाँ से हम क्रॉस करेंगे रोड। घेवरा कट पीछे अपना, ये घेवरा मोड़ है भाई देख, ये हिरणकुन्ना का स्टैंड था और पीछे ना घेवरा मोड़ है, कैमरे ऊपर लगे हुए देखो हो रहे। पिछले इनकी स्पीड हमेशा 40, इससे ज्यादा नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो आपका चलान आपके घर पे आ जाएगा 2 मिनट के अंदर। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप, थोड़ा सा रेड लाइट का हमेशा पालन करना चाहिए भाइयों, क्योंकि थोड़ी सी गलती से चूक हो सकती है। ये देखिए एक भाई साहब भी निकल गए, एक ही अंकल भी ट्राई कर रहे थे निकले गए ही नहीं, पर ये देखिए अविंदर वाला बंदा भी जा रहा है। 3 2 1 तो अब चलते हम, इनको तसल्ली नहीं होती पर थोड़ा एक्सीडेंट होगा ना जब इन्हें पता चल जाए कि भाई रुकना चाहिए ट्रैफिक रेड लाइट पर मेरा नाम है बस। तो अभी हो रखा है रेड लाइट तो हम क्रॉस नहीं करेंगे, तो और बंदे जा रहे देख सकते हो आप, ये रानीखेड़ा के लिए है पर अभी रास्ता बंद है, ये भाई अभी एक्सीडेंट होता बच गया। भाई ये लोहे के प्लेट से भी जाते हैं इस बंदे के अंदर, ये वही बंदे जो पीछे रेड लाइट तोड़ के आए थे, काटना रेड लाइट बंदा बार बार बच गया। तो भाई काम बात होगी खत्म, चलो साइड में लगाऊं, मीठे से होंगे ना अंकल, कहीं वो अंदर से वो होता फोम जैसा वो तो नहीं है, नहीं एक फोम जैसा होता वो सही लगता स्वाद में।
बैठ। तो हम पहुंच चुके हैं कमलेश के जीजा घर पे, यानी कि मेरे जीजा लगेंगे। ये साइड में तो थे, ये जीजा थे। तो ये बाइक करते पार्क पहले, तो आगे दिया था मैं, तो उसको घुमा के लेके जाऊंगा पीछे साइड में। तो लगाते हैं वहीं पे। पीछे लगा दूं, वहां लगा दूं। आ चुके भाई, पतली सी गली है बिल्कुल। हैं, मुझे क्या था, फोन कर दोबारा, वंस मोर दोबारा फोन कर भाई। क्या है ये? हाँ समझ गया, चल चल ले। अच्छा समझ गया मैं भाई। तब तो अब देखते हैं इस गली में कौन सा घर है सामने। क्या ये है, पता नहीं कौन सा। खड़े तो हमें ये वाला नहीं है भाई, कमले से आगे आते थोड़ा सा खड़ा आगे। तो पहुंच चुके हम। ऊपर मतलब सामने वाली है। तो हम आ चुके हैं घर पे और अभी जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। तो ये वाला ब्लॉग मैं करते हैं यहीं पे एंड। तो रास्ते में दो तीन इंसिडेंट हुए थे बहुत ही खतरनाक। और जो चैनल पे नए हैं वो बंदे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी वीडियो और आती रहेगी, थोड़ा टाइम मिल जाए क्योंकि आईटी जाता हूँ मैं, तो टाइम की थोड़ी दिक्कत है, तो आप मैनेज करना। और वीडियो के लिए सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं आगे। तो हम करते हैं यहीं पे एंड, आपको मिलेंगे अगले ब्लॉग के अंदर।